गाइस वेलकम बैक अगेन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीड जर्मिनेशन यानी कि बीजों के अंकुरण के बारे में बात करेंगे। दो तरह से आप अंकुरण देख सकते हो, एक होता है भूमि के ऊपर अंकुरण जिसे आप बोलते हो एपीसीएल जर्मिनेशन, दूसरा होता है भूमि के नीचे जिसे आप बोलते हो अधोभूमिक अंकुरण यानी कि हाइपोसीएल जर्मिनेशन। ठीक है, सो लेट्स सी बीजों का अंकुरण किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बेसिक इंट्रो, बीज के स्ट्रक्चर आपको पता होगी, मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले से। तो बीज में अगर आपके पास दो सीड कोट हैं तो उसे बोलते हैं डाइकोट, अगर एक सीड कोट है तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोकोट सीड। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सीड की जो कि डाइकोट सीड है। तो ये जो दो बीज पत्र हैं, बीज पत्र से नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मूलांकुर यानी कि रेडिकल, इससे आपके रूट सिस्टम का जनरेशन होता है। जबकि बीज पत्र से ऊपर वाला पार्ट उसे बोलते हैं प्रांकुर, प्रांकुर जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं प्लूमोल। ठीक है, उससे आपके तना और पत्तियाँ बनती हैं। ठीक है, अब ये पूरा डेवलप पार्ट है, एक पूरा बेस से जो सबसे बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है प्लांट की वो है। तो ये आपका क्या है, रूट स्ट्रक्चर है। रूट स्ट्रक्चर से ऊपर जाते हैं भूमि के ऊपर, तो ये दोनों आपके क्या हैं, बीज पत्र हैं, दो बीज पत्र हैं। और बीज पत्र से मूलांकुर के बीज वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, बीज पत्राधार या फिर इंग्लिश में जैसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और बीज पत्रों से ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रों पर एक। तो बीज पत्रों पर एक कहाँ पे आता है, बीज पत्रों से ऊपर। वो बीज पत्राधार कहाँ आता है, बीज पत्रों से नीचे। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों को आपको अच्छे से समझ में आना जरूरी होता है। प्रांकुर प्लूमूल होता है जिससे तना और पत्तियाँ बनेंगी, मूलांकुर जिससे आपका रूट सिस्टम जनरेट होता है। ठीक है, अब बीज आपने पढ़े होंगे कौन सा होता है, बीजांड होता है और रिप्रोडक्शन के बाद में वही बीज बनता है। तो बीज के दो आवरण होते हैं, बीज चोल जिसे बोलते हैं आप या फिर टेस्ट और टैगमैन होते हैं। जो बीज किस तरह से अंकुरण होता है उसका इंट्रो देखें तो सबसे पहले वो जल का अवशोषण करता है, एम्बाइसम यानी कि अंतःशोषण करेगा। और जल जब अंदर आ जाएगा तो बीज के बीज चोल की जो भित्ति है उस पर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर से वो बीज चोल की भित्ति वो फट जाती है और फटने से आपके सीड कोट बनते हैं यानी कि बीज बाहर आ जाता है और उससे मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड का जनरेशन होता है। तो बीज सबसे पहले पानी का अवशोषण करेगा, जल का अवशोषण करेगा, उससे बीज चोल की भित्ति फटेगी और भित्ति फटने से वहाँ पे आपके बीज पत्रों का निर्माण होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन किस तरह से हो सकता है। दो तरह से आपको देखने को मिल सकता है, एक होता है एपिसियल जिसमें बीज पत्र हैं वो भूमि से ऊपर आ जाते हैं, बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाएंगे तो उसे ऊपरी भूमिक अंकुरण कहेंगे। जबकि हाइपोजियल में क्या होता है, जो बीज पत्र होते हैं वो भूमि के नीचे ही रहते हैं। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अधोभूमिक अंकुरण। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, तो एपिसियल जर्मिनेशन में क्या होता है, तो इसे यहाँ पे देख सकते हो डाइकोट या फिर मोनोकोट सीड दोनों का डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। इसमें क्या होगा, बीज पत्राधार वाला यानी कि हाइपोकोटाइल ये वृद्धि को डिसाइड करेगा। हाइपोकोटाइल यहाँ पे कैसा होता है, लंबा है, काफ़ी लंबा है। और हाइपोकोटाइल हमने पहले ही देखा था किन किन के बीच वाला पार्ट होता है, ये बीज पत्रों और यहाँ पे अगर हम मानते हैं मूलांकुर है जिससे मूल का निर्माण होता है, उनके बीज वाला पार्ट है वो कौन क्या बोलते हैं उसे, बीज पत्राधार। तो बीज पत्राधार यहाँ पे काफ़ी लंबा देखने को मिलता है और वो ही आगे प्लूमूल की स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। मोनोकोट में भी देख सकते हैं यहाँ पे एक बीज पत्र बन रहा है लेकिन यहाँ पे हाइपोकोटाइल है, डायकोट से भी ज़्यादा लंबा है। ठीक है, अब ये बेसिक डेवलपमेंट आप धीरे धीरे देख सकते हैं, यहाँ मूल सिस्टम बन रहा है जबकि ऊपर की तरफ आप तना और पत्तियाँ बन रही हैं। तो ये तना और पत्तियाँ में आप देख सकते हो ये बीज पत्र हैं, बीज पत्र से और रेडिकल के बीच वाला पार्ट बीज पत्राधार है, बीज पत्रों से ऊपर वाला पार्ट ये है बीज पत्रों पर एक। ठीक है, ये आपके एपिसियल जर्मिनेशन हो गया। और इसके एग्जांपल हैं आपके सेम है या फिर आपकी अरंडी, अरंडी के प्लांट में भी एपिसियल जर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बीज पत्र हैं वो भूमि से ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, ऊपरी भूमि का अंकुरण। ठीक है, हाइपोकोटाइल है वो यहाँ पे बीज पत्रों की वृद्धि हो या फिर बीज की वृद्धि हो वो डिसाइड कर रहा है क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, अब हम जाते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन यानी कि भूमि के नीचे जो अंकुरण होता है उसमें क्या क्या बेसिक थिंग्स होती हैं, कौन कौन सी स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं।
यहाँ पे देख सकते हो ये बाद वाला स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक डायग्राम। तो डाइकोट में बीज पत्र देख लिया या फिर मोनोकोट में जो एक बीज पत्र बन रहा है ये क्या है, भूमि की सतह से नीचे है अब के बार, इसीलिए से हाइपोजियल जर्मिनेशन हमने कहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बीज पत्राधार यानी कि हाइपोकोटाइल है वो बहुत छोटा हो रह जाता है, और यहाँ पे जो वृद्धि है डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, आपकी बार एपिकोटाइल है वो डिसाइड करेगा, यानी कि बीज पत्रों से ऊपर वाला पार्ट जो हम पढ़ते थे बीज पत्रों पर एक, वो यहाँ पे वृद्धि डिसाइड करेगा। और ये क्या करेगा, ये जो आपका प्रांकुर है उसे ऊपर की ओर धकेलता है। अब प्रांकुर ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रांकुर का काम क्या होता है, तना और पत्तियाँ बनाना। तो इस तरह से हाइपोजियल जर्मिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका रूट सिस्टम है, ये बीज पत्रों पर एक है एपिकोटाइल है, ठीक है, और एपिकोटाइल यहाँ पे वृद्धि डिसाइड करेगा। ये ही प्रांकुर, ये प्रांकुर है इसकी टिप पे जो है, और ये इसको धकेलेगा, धकेलने से ऊपर की तरफ आपकी पत्तियाँ हैं और तने का निर्माण होगा। लेकिन देख सकते बीज पत्र अभी भी जमीन से बाहर नहीं आया है, पूरा ग्रोथ हो चुकी है लेकिन अभी भी वो जमीन के अंदर ही है, तो इसीलिए से हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं चना और मक्का में, चना और मक्का के बीजों में इसी तरह का जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस आपको समझ में आया होगा किस तरह से जर्मिनेशन होता है, ठीक है। आपको बेसिक थिंग्स आनी चाहिए, वो क्या है, ये देखिए ये बीज है, ठीक है, और ये मान लीजिए एक बीज है, ये बीज पत्र है, ठीक है, ये आपका प्रांकुर है और ये आपका मूलांकुर है, ठीक है। तो इसके बीच वाला हिस्सा क्या होगा, ये होगा बीज पत्राधार, बीज पत्राधार, ठीक है, और इससे ऊपर वाला पार्ट, बीज पत्रों से ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, वो बीज पत्रों पर एक जिसे आप बोलते हो एपिकोटाइल होगा, वो आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। थैंक्स।